हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन पे। आज हम बनाएंगे हरी मिर्चियों की अचार। इस अचार के लिए ये मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, इन्हें आप देख लें। ये 200 ग्राम मिर्चियां हैं, ये 3 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच नमक, ये काली सरसों 4 चम्मच, ये सौंफ है 4 चम्मच, ये जीरा इसे भी मैंने 4 चम्मच लिया है, मेथी दाने 3 चम्मच, और ये 3 बड़े बड़े नींबू, और ये सरसों तेल करीबन 6 चम्मच है। आइए हम लोग इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग मिर्चे को 2 टुकड़ों में काट लेंगे। ये आप देख सकते हैं मिर्चों को मैंने 2 टुकड़े करके कट कर लिया है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब ये मसालों को मैं हल्का सौते कर लूँगी, बस थोड़ा सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। इसे मैं पैन में डाल दूँगी। थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, बस थोड़ा सा गर्म होने तक, उसके बाद इसे ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। चलाते रहें, ज़्यादा ना गले। इसे अब हम ब्लेंडर में डाल देंगे और इसे दर दरा कूट लेंगे। ज़्यादा तेल नहीं करना है, सिर्फ दर दरा कूटना है। जब दर दरा कूट लेंगे तब तक हम ये मसाले को पीसते हैं। तब तक इसमें ऑयल, और आप चाहे तो वाइट सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, उसके इंस्टेड में मैं नींबू यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी यही अवेलेबल है। तब तक मैं नमक, हल्दी, तेल और नींबू मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मसाले को ऐड कर दूँगी। पहले हम ऐड करेंगे नमक। अब हल्दी, छह बड़े चम्मच सरसों के तेल, इसे फैला के डालें, ऐसे करके डालें। अब इसे थोड़ा मिक्स कर लिए, फिर इसमें नींबू का रस ऐड करें। अच्छे से मिक्स कर लिए। ये इंस्टेंट अचार जब बनाएं तभी खा सकते हैं आप। अब इसमें नींबू का रस ऐड कर देंगे। एक एक करके मैं नींबू का रस, 3 नींबू, बड़े बड़े नींबूओं का रस निकाल दूँगी। इसमें देखिए एक दाना चला गया, इसे मैं निकाल दूँगी। नींबू को अच्छे से स्क्वीज करके डालें। नींबू का रस मैंने निकाल, ये मसालों को मैंने दरदरा कूट लिया। अब लास्ट में ये मसाले मैं ऐड कर दूंगी इसमें, धीरे धीरे करके अच्छे से मिक्स हो जाए। ये हमारा इंस्टेंट अचार रेडी है। आप इसे तुरंत भी खा सकते हैं, लेकिन इसे 2 या 3 दिन रखने के बाद जब आप खाओगे तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, प्लीज़ कमेंट करें।